इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आदाब नाजरीन, INN 7 और इत्तेहाद न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं एक समाजी बुराई तलाक के ताल्लुक से, जो एक वबा की तरह फैलती जा रही है। जायज और हलाल आमाल में अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा कोई अमल है तो वो है तलाक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनान मक्का ने बहुत सारे जुल्म ढाए। ताइफ वालों ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून तक बहाया, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ तक नहीं की। लेकिन जब अबू लहब के बेटों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बद्दुआ की। आजकल हम देख रहे हैं कि तलाक की वबा हर शहर और हर गांव में फैलती जा रही है। कोई मोहल्ले की ऐसी जमात नहीं है जिनके पास तलाक के मामलात न हो। कोई हुकूमत की अदालत ऐसी नहीं है जिसके पास तलाक के केसेस नहीं हैं। क्या वजह है कि तलाक की वबा फैलती जा रही है, ये हर खास आम को समझने की ज़रूरत है। तलाक के अक्सर वजूहात लड़के या लड़की की बदअखलाकी, छोटे और बड़ों का पास व लिहाज न रखना, लड़की की अपनी ससुराल वालों के साथ चर जुबान, लड़के या लड़की के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लड़के या लड़की की जिंसी कमजोरियां तलाक के वजूहात होते हैं। इनके अलावा अक्सर मामला तो मामूली होते हैं जो कि सब्र और तहमुल से हल किए जा सकते हैं, लेकिन अना या ईगो की वजह से मामला टूट पकड़ते जाते हैं। अगर बचपन से ही वालिदैन अखलाकी और दीनी तालीम पर गौर करते, अज़दवाजी ज़िंदगी के उसूल और ज़वाबित बच्चों की घुट्टी में डाल दिए होते तो तलाक जैसी वबा से बचा जा सकता था। लेकिन क्या करें, आजकल माँ बाप को इसके लिए फुर्सत ही कहाँ है। ये नहीं देखते कि औलाद कहाँ और क्या कर रही है, किस माहौल में अपना वक्त गुजार रही है। अक्सर नौजवान तो शादी से पहले ही जिंसी ताल्लुकात में मुब्तला हैं। हर वालिदैन अपने बच्चों को शरीफ समझते हैं और हर औलाद माँ बाप को इस गलत फहमी में मुब्तला रख कर अखलाक से गिर जाने वाले काम कर रहे हैं। जब औलाद से गलती सरजद हो जाती है तब माँ बाप पछताने लग जाते हैं। बाज़ औलाद की परवरिश ऐसी होती है कि माँ बाप का इन पर कंट्रोल ही नहीं रहता। ऐसे ही बहुत सारे वजूहात हैं जिनके बिना पर तलाक जैसे मामलात बढ़ते जा रहे हैं। माशरे में हद तो ये होती जा रही है कि जब तलाक के मामलात कुछ स्पेशलिस्ट तलाक के जो एजेंट हैं इनके पास जाते हैं तो तलाक के लिए मांडोली करके अपनी रोजी रोटी कमाने का जरिया बनाए जा रहे हैं। इनको कुछ सरोकार नहीं है कि वो जिंदगियां के दो जिंदगियां बिखर रही हैं और तबाह हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि तलाक या अज़दवाजी ज़िंदगी में बिगाड़ इस्लामी तालीमात से दूरी असल वजह है। आज हम मगरबी दुनिया की चमक दमक में आकर इस्लामी ज़िंदगी से दूर जा बैठे हैं, जिसकी वजह से आज हमें बिगाड़ देखने में आ रहे हैं। अगर हम ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लामी तालीमात को अपनाने लगेंगे तो हम बहुत हद तक इस बिगाड़ से बच सकते हैं, क्योंकि इस्लाम एक फितरी मज़हब है। अगर हम इस्लामी तालीमात के तहत शादी ब्याह के अमल को पूरा करते हैं तो बहुत सारे खुराफात और तलाक जैसे गलत अमल से बच सकते हैं। औलाद की शादी ब्याह में देरी औलाद को बदकारी में मुब्तला करने का सबब बनते जा रही हैं। औलाद की शादी ब्याह में देरी घरेलू निज़ाम को दरहम बरहम करने का सबब बनते जा रहे हैं। अक्सर देखा यह जा रहा है कि वक्त पर की जाने वाली शादी अक्सर कामयाब हुआ करती है, जिसके बहुत सारे फितरी वजूहात हैं। तलाक जैसी बुरी वबा को रोकने के लिए हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। वालिदैन को अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत करनी पड़ेगी। मोहल्ले की जमातों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। उलमाए इकराम को इस तरफ सही रहनुमाई करनी पड़ेगी, तब जाकर एक सही माशरा वजूद में आ सकता है। इत्तेहाद न्यूज़ और INN 7 देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।